इस साल अगर आप कुछ आंकड़ों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल भूकंप कई बार आया है, यानी छोटे छोटे पैमाने पर भूकंप की गति यानी तीव्रता देखी गई है। तो क्या ये एक बड़े भूकंप की ओर इशारा कर रहा है? बार बार भूकंप किसी बड़ी आपदा की चेतावनी तो नहीं है? अर्थ साइंस के वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ गई है। बार बार भूकंप आने से हिमालयी रीजन में बड़े खतरे का डर सता रहा है। कई खबरें इस वक्त आपने देखी होंगी कि हो सकता है कि आज रात को भी एक भूकंप आ जाए। कुल मिलाकर आपने इस तरह की भी खबर देखी होगी कि आने वाले दिनों में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है, चलिए आज बताते हैं। अर्थ साइंस के वैज्ञानिक नए भूकंप केंद्र बनने की भी आशंका जता रहे हैं। इससे भूकंप की तीव्रता अधिक होने और उसका केंद्र हमारे करीब होना तय है। इस भूकंप का केंद्र भी बदला हुआ है और उत्तराखंड के नजदीकी हिस्सों में है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक का कहना है कि इस बार का भूकंप 2015 में आए नेपाल के भूकंप के बाद के झटकों का हिस्सा नहीं है। ये नए भूकंप की चेतावनी हो सकती है। 3 नवंबर को नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता को भारत के जियोलॉजिक सर्वे संगठन ने 6.4 मैग्नीट्यूड का बताया था, लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 5.7 मैग्नीट्यूड का माना। दोनों के आकलन में तीव्रता का इतना बड़ा अंतर है, लेकिन जिस तरह का भूकंप 3 नवंबर को आया उसके झटके कानपुर तक लोगों ने महसूस किए। सोमवार के भूकंप का भी झटका महसूस हुआ। इससे भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा होने और इसका केंद्र हमारे करीब होना तय। चिंता इस बात की भी है कि भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं। क्या ये किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है? क्योंकि इस बार भूकंप नेपाल के उस पूर्वी क्षेत्र में नहीं आ रहे जहां 2015 में आए थे। इस बार जो इसका केंद्र है वो नेपाल के पश्चिमी हिस्से में है, जो उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र के आसपास है। भूकंप केंद्र बदले होने से साफ है कि ये भूकंप 2015 के बड़े भूकंप के बाद प्लेट्स के अपने को व्यवस्थित करने से संबंधित आफ्टर शॉक तो नहीं है। पृथ्वी में सतह की गहराई में टेक्टोनिक और यूरेशियन प्लेट्स हैं जो पृथ्वी का आकार संभाले हुए हैं। जमीन के अंदर बढ़ते दबाव से प्लेट्स टकराती हैं। भारतीय प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही है। इसको खिसकने से जो ऊर्जा बनती है वो जमीन से बाहर आती है तो भूकंप की स्थिति बन जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के नीचे प्लेट्स का टकराव पिछले 50 मिलियन साल से हो रहा है। विनाशकारी भूकंपों के आने से नए पहाड़, झील और नदियों का निर्माण होता है। बिहार की अगर बात कर ले तो वहां भी कहा जा रहा है कि भूकंप आ सकता है 1 या 2 दिनों में या फिर आज रात को। बिहार में 3, 4 और 5 भूकंपीय क्षेत्र हैं। बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। इसमें किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधेपुरा शामिल हैं। इनमें से भी 2 जिले मधुबनी और सुपौल पूरी तरह से सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, यानी सबसे भूकंपीय सक्रियता वाले इलाके। इन जिलों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। जिन जगहों पर भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है उसे भूकंपीय क्षेत्र या सिस्मिक जोन कहते हैं। भूकंप आने के खतरे को देखते किसी देश या राज्य को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को कुल 4 जोन में बांटा गया है। इसमें सिस्मिक जोन 2, सिस्मिक जोन 3, सिस्मिक जोन 4, सिस्मिक जोन 5 है। इसमें सिस्मिक जोन 5 सबसे ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं सिस्मिक जोन 2 यानी 2 सबसे कम भूकंपीय सक्रियता वाला क्षेत्र है। तो हालांकि ये अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता है कि भूकंप आ जाएगा या कल, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कभी भी कहकर नहीं आती, ना ही इसका कोई प्रेडिक्शन कोई भी वैज्ञानिक कर सकता है, लेकिन फिर भी आने वाली आपदाओं के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।